उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीडन की फाइनेंसिंग कंपनी आइकिया के साथ किया बड़ा अनुमोदन। सीएम योगी ने आइकिया को दी शुभकामनाएं। यूपी बजट सत्र का दूसरा दिन जबरदस्त हंगामे के साथ शुरू हुई कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित हुई। साथ ही सीएम योगी के संबोधन के साथ कार्रवाई की हुई शुरुआत। बजट सत्र में सीएम योगी ने संबोधन की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पूर्व राज्यपाल मोतीलाल वोरा को दी श्रद्धांजलि। उन्नाव की घटना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने घटनास्थल पर की जांच पड़ताल। डीजीपी ने घटना की दी जानकारी। कमिश्नर आईजी की मौजूदगी में हुआ भुआ भतीजी का अंतिम संस्कार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज स्वीडन की फाइनेंसिंग कंपनी आइकिया के साथ बड़ा अनुमोदन किया है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सरकारी आवास पर नोएडा अथॉरिटी और आइकिया के बीच विनिमय समारोह आयोजित किया गया। आइकिया इसके तहत नोएडा में करीब 5,000 करोड़ रूपये का निवेश करेगी। कंपनी ने सेक्टर 51 में लगभग 12 एकड़ जमीन ली है। विकास और निर्माण कार्य कुछ इस हफ्ते से शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर नोएडा अथॉरिटी के साथ ही आइकिया को भी शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे प्रसन्नता है कि आइकिया देश के सबसे महत्वपूर्ण स्थल नोएडा में देश को मूर्त रूप से स्थापित करने जा रही है। विनिमय समारोह की आज के इस कार्यक्रम में लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना जी, प्रदेश के मुख्य सचिव तथा प्रदेश के औद्योगिक एवं स्थापना विकास के आयुक्त श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास श्री अरविंद कुमार जी, कार्यालय सी एस पी गोयल जी, सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, सीओ नोएडा श्रीमती ऋतु माहेश्वरी जी, आइकिया के कंट्री हेड श्री पीटर, आइकिया से जुड़े हुए सभी अन्य अधिकारीगण और उपस्थित सभी महानुभाव, नोएडा अथॉरिटी और आइकिया के बीच डीड विनिमय समारोह के आज के इस अवसर पर मैं इन दोनों संस्थाओं के प्रति हृदय से अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आइकिया देश के सबसे महत्वपूर्ण स्थल नोएडा में इस निवेश को मूर्त रूप देने जा रहा है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का न केवल आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, अपितु देश के सबसे अधिक युवा भी उत्तर प्रदेश में हैं और देश का सबसे बड़ा मार्केट भी अपने आप में उत्तर प्रदेश है। भारत के अंदर निवेश की जो सबसे अधिक संभावना वाला क्षेत्र है वह नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में दुनिया के सबसे अच्छे निवेश के लिए हमारे पास निरंतर प्रस्ताव आ रहे हैं। जब पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही थी उस समय हम लोगों ने न केवल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी को कोविड 19 के संक्रमण से बचाने में, बल्कि प्रदेश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत करने में जहां सफलता अर्जित की, वहीं साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ने बड़े पैमाने पर न केवल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बल्कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश को भी आमंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। जो कुछ बड़े निवेश इस दौरान वहां पर हुए हैं, इसमें डाटा सेंटर की स्थापना के साथ ही देश का पहला डिस्प्ले यूनिट भी हमारे इस क्षेत्र में तेजी के साथ उनकी स्थापना का कार्य आगे बढ़ रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज मेसर्स आईकिया का यह निवेश भी यहां पर मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारी अपनी बहुत पारदर्शी और व्यवस्थित नीतियां प्रदेश शासन की हैं, जिससे किसी भी निवेशक को किसी भी प्रकार की कोई समस्या प्रदेश के अंदर निवेश करने में न हो। और प्रदेश के अंदर हम लोग न केवल निवेशपरक और रोजगार उन्मुखी उद्यमों की स्थापना की दिशा में मजबूती से कदम उठा सकें, बल्कि अधिक से अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी आकर्षित कर सकें। इस दृष्टि से प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियां और प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए कदम जहां बहुत प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं साथ ही साथ आज का यह अवसर हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आईकिया अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका महिला सशक्तिकरण, बाल विकास सहित सामाजिक योजनाओं के क्षेत्र में भी इन्हें महारत हासिल है। और मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 5500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लगभग 850 करोड़ रुपए की लागत से भूमि संबंधी, नोएडा की भूमि हस्तांतरण से संबंधित जो कार्रवाई इसके साथ ही प्रारंभ हो रही है, यह प्रदेश के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने में काफी बड़ी मदद करेगा। आईकिया जन सामान्य के लिए इस क्षेत्र में न केवल शॉपिंग मॉल, होटल, ऑफिस, रिटेल आउटलेट आदि के निर्माण की कार्रवाई एक समय सीमा के अंदर करेगा, बल्कि आने वाले समय में यहां प्रदेश के अन्य शहरों में भी निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान देगा। मैं एक बार फिर से आईकिया ग्रुप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपका जो निवेश है यह आईकिया के लिए एक सुनहरा अवसर होगा, क्योंकि यह निवेश ऐसे क्षेत्र में हो रहा है जहां पर पहले से ही हम एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी एक नई फिल्म सिटी यमुना अथॉरिटी में प्रस्तावित है और भी तमाम प्रकार के निवेश उस क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आईकिया अपने इस निवेश के माध्यम से देश के सबसे बड़े बाजार में भी
प्रवेश करने के साथ ही उन्हें अपने इस निर्णय पर गौरव की अनुभूति होगी कि उन्होंने नोएडा में किए हुए इस निवेश के माध्यम से जो निर्णय लिया, जिसके लिए प्रदेश सरकार और हमारे औद्योगिक विकास विभाग के द्वारा उनसे बार बार और बहुत समय से जिस बात के लिए एक संवाद बनाया गया था, उन्हें स्वयं अपने इस निर्णय पर आने वाले समय में गौरव की अनुभूति होगी कि उनका जो निवेश है एक अच्छे स्थल पर और उनके स्वयं के निवेश को कई गुना बढ़ोतरी करने में एक निर्णायक साबित होगा। एक बार फिर से मैं नोएडा अथॉरिटी को और आइकिया को इस एमओयू के लिए हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। उत्तर प्रदेश की धरती आदिकाल से ही अध्यात्म, संस्कृति और शौर्य से संपन्न, तो इसी भूमि के रणबांकुरों ने बाहरी आक्रांताओं से लेकर साम्राज्यवादियों को मुंह की खाने को विवश किया। महान संत बालार्क ऋषि के शिष्य महाराजा सुहेल देव ने अपने शौर्य और पराक्रम के साथ विदेशी आक्रांता सैयद गाजी का उसकी सेना सहित संहार किया। उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि पर लिखे जाने वाले गौरवशाली इतिहास में महाराजा सुहेल देव के पराक्रम और शौर्य की गाथा दिग दिगंतर तक भारतीय जनमानस को प्रेरित करती रहेगी। बहराइच में महाराजा सुहेल देव की जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा सुहेल देव स्मारक एवं चित्तौरा झील की विकास योजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामय उपस्थिति में होने जा रहा है। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़ें। वहीं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वहीं बात करेंगे अगली खबर की। यूपी में बजट सत्र शुरू होते ही 30 मिनट के लिए स्थगित हो गई। विपक्ष ने किसानों के मुद्दे पर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा किया। हंगामे के शांत होते ही सदन की कार्यवाही फिर से शुरू कर दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन से कार्यवाही शुरू हुई। अपने संबोधन में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पूर्व राज्यपाल मोतीलाल वोरा को श्रद्धांजलि दी। आपकी अनुमति से भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के दुखद निधन पर इस संवेदना प्रस्ताव को इस सदन में रख रहा हूं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को लगभग 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारतीय राजनीति में श्री प्रणब मुखर्जी का दीर्घ अनुभव और योगदान रहा है। वे एक वरिष्ठ और सर्वमान्य राजनेता थे। सभी उन्हें प्रणोदा कहकर संबोधित किया करते थे। वे 5 बार राज्यसभा 14वीं एवं 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों सहित रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री पद के दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। वे राज्यसभा में विभिन्न संसदीय समितियों के सभापति रहे। राज्यसभा और लोकसभा में नेता सदन भी रहे।
उन्होंने 25 जुलाई 2012 को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति पद पर आसीन होने का गौरव प्राप्त हुआ। वे इस पद पर 25 जुलाई 2017 तक रहे। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने राष्ट्रपति पद का बखूबी निर्वहन करते हुए इस पद की गरिमा और सम्मान में वृद्धि की। श्री प्रणब मुखर्जी सार्वजनिक जीवन में स्पष्टवादी सौम्य एवं मृदुभाषी नेता थे। उन्हें जटिल राष्ट्रीय मुद्दों पर आम सहमति बनाने व समन्वय स्थापित करने में व्यापक कूटनीतिक अनुभव प्राप्त था। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों एवं वित्तीय मामलों की भी गहरी समझ थी। वे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक, एशियाई विकास बैंक सहित विभिन्न महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के संचालक मंडल के सदस्य रहे। वे भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। विभिन्न उच्च पदों पर रहते हुए उन्होंने अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। एक सांसद, मंत्री और अनुभवी नेता के रूप में वे संसदीय मूल्यों एवं परंपराओं को मजबूत करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। राष्ट्र के प्रति श्री प्रणब मुखर्जी की सेवाओं का सम्मान करते हुए उन्हें पद्म विभूषण, सर्वोच्च आदर्श सांसद, सर्वोत्तम प्रशासक सम्मान प्रदान किए गए तथा वर्ष 2019 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी उन्हें प्रदान किया गया। वहीं बात करेंगे अगली खबर की। उन्नाव स्थित असोहा थाना क्षेत्र में एक गांव में बुआ और भतीजी की मौत होने के बाद एक किशोरी गंभीर रूप से घायल, घटना ने पूरे लोगों को झंझोर दिया है। मामले की जानकारी के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी रात घटनास्थल पर जांच पड़ताल भी की। वहीं तमाम अटकलों और अफवाहों के बीच यूपी पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि बेहोश बच्ची को उपचार के लिए कानपुर भेजा गया है। साथ ही डॉक्टर ने एक पैनल में इनमें दो मृत बच्चियों का पोस्टमार्टम भी किया है। तो नव स्थित असोहा थाना क्षेत्र के गांव में बुआ भतीजी की मौत और एक किशोरी की गंभीर घायल होने की घटना ने पूरे गांव के लोगों को झंझोर दिया है। ये मामला इतना बिगड़ता हुआ नजर आया कि जिसके चलते मामले की जानकारी होते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी ने पूरी रात घटनास्थल पर जांच पड़ताल अपनी की। इसके साथ ही वहीं तमाम अटकलें और अफवाहों के बीच यूपी पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी ने इस पूरी घटना की जानकारी देते हुए बताया कि जो बेहोश बच्ची है उसको अस्पताल कानपुर के अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। वहीं साथ ही डॉक्टर के एक पैनल ने दो मृत बच्चों का पोस्टमार्टम किया है। वहीं हमारी चैनल की ब्यूरो हेड सपना चारण ने प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना डॉक्टर नवनीत सहगल से खास बातचीत की है। आइए नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत ही सीनियर अधिकारी इस वक्त हमारे साथ हैं, नवनीत सहगल जी, उनसे बात करेंगे। सर, ओडीओपी के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। सर, सरकार ने इस समय ओडीओपी को बहुत ही ज्यादा प्रमोट कर रही है और इसमें आपका बहुत ही खास योगदान है और जब से आप इसको संभाल रहे हैं इसमें अलग ही एक ऊर्जा देखने को मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये एक जनपद एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना है, ये जो हमारे प्रदेश में पारंपरिक उद्योग हैं जो बरसों से सदियों से कई उद्योग चल रहे हैं उनको आगे बढ़ावा देने के लिए, जो हमारी कला है उसको आगे बढ़ावा देने के लिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने ये 2018 में प्रारंभ किया था। ये उन्हीं की सोच थी कि प्रदेश में यदि औद्योगिकरण और होना है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और पैदा होने हैं तो जो हमारे स्थानीय जो आर्ट क्राफ्ट है, पारंपरिक आर्ट है, छोटे उद्योग हैं, उनको हमको बढ़ाना चाहिए। तो उसी क्रम में उन्होंने एक जनपद एक उत्पाद योजना प्रारंभ की। इसमें हर जनपद का जो एक एक वहां का मेन प्रोडक्ट है, जो मशहूर है, वो उसको उन्होंने सेलेक्ट किया है, सरकार ने सेलेक्ट किया है। उसमें हमारे 75 जिलों में 57 ऐसे उत्पाद हैं और ये बहुत सारे ऐसे उत्पाद भी हैं जहां की सदियों से ऐसा वो उत्पाद वहां उस शहर में होते रहे हैं, जैसे उस जिले में होते रहे हैं, जैसे भदोही में कारपेट है, मुरादाबाद में हैंडीक्राफ्ट है, लखनऊ में चिकनकारी है,
आपका अलीगढ़ में ताले या हार्डवेयर का काम है, आगरा कानपुर में शूज और लेदर का काम है, तो ये ऐसे उत्पाद हैं जिनको कि आगे बढ़ावा देने से छोटे उद्योग धंधे आगे फैलेंगे, क्लस्टर में डेवलप होंगे। तो जो क्लस्टर में, जैसे दुनिया में बहुत सारे देशों ने उद्योगों को क्लस्टर्स में विकसित किया, क्लस्टर में उद्योग को विकसित होने में आसानी रहती है क्योंकि वॉल्यूम्स का लाभ मिलता है। जैसे स्किल वहां अवेलेबल हो जाती है, वहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाता है क्योंकि वहां पर डिमांड रहती है, मार्केट आसानी से मिल जाती है। तो ये सारे उद्देश्यों को लेकर ये योजना प्रारंभ की गई है और योजना के जो अंश है, योजना के अंश में यही है कि जो योजना के हमारे आर्टिसन हैं, जो उनको स्किल इम्प्रूव करना, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, उनके जो रॉ मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में देखना, उसको इकाइयों को जो फाइनेंस अवेलेबल हो सकता है, वित्त अवेलेबल हो सकता है उसके बारे में बात करना, उनको मार्केटिंग के बारे में बात करना, उनकी पैकेजिंग के बारे में बात करना, ये सब जो जितने इश्यूज हैं सारे मुद्दे वहां तक ये योजना जा रही है। और विभिन्न संस्थाओं को, तकनीकी संस्थाओं को, वित्तीय संस्थाओं को, मार्केटिंग की संस्थाओं को जोड़ा गया है। जैसे वर्तमान में ई मार्केट बहुत अच्छा एक स्कोप है, हमारे छोटे आर्टिसन हैं, उनको कारीगर हैं, उनको बाजार तक नहीं पहुंच सकते तो उनको ई मार्केट से जोड़ा गया है। तो ये पूरा एक पूरा इकोसिस्टम है जिसको विकसित करने के लिए ये एक जनपद एक उत्पाद योजना शुरू की गई। हमारे देश में बहुत पुराने समय से ही हमारे एक पुराने काल से हमारे देश में नई नई शिल्प कलाएं, इस तरीके की कलाएं रही हैं जिनको, उत्तर प्रदेश तो बहुत ही बड़ा प्रदेश है, बहुत बड़ी जनसंख्या वाला है सर, वहां पर एक से एक बढ़कर कलाएं हैं जिनको आप ओडीओपी के जरिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जरिए आप लोग प्रमोट कर रहे हैं। सर कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी चीजें प्रमोट तो कर रहे हैं लेकिन वो क्या, कई बार कुछ चीजों में मुश्किल भी होती है, तो गवर्नमेंट उसको किस तरीके से सपोर्ट करती है? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि जैसे कारीगर हैं उनको स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं हम लोग, 30,000 से ज्यादा पिछले तीन साल में 30,000 से ज्यादा स्किल अपग्रेडेशन के काम किए गए हैं, फिर 10,000 से ज्यादा लोगों को लोन दिलाया गया, वित्तीय सहायता दिलाई गई है, मार्केटिंग टाइप किया गया है, ई मार्केट से उनका लिंकअप किया गया है, तो ये सारी सुविधाएं दी गई हैं, कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाए जा रहे हैं, तो ये सब सुविधाएं इस प्रोग्राम में दी गई। सर एक सवाल, सर आप जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं बहुत ही अलग कार्य करते हैं और वो बहुत ही सराहनीय होता है, सर आप ये कैसे कर लेते हैं? सर नहीं, अपना काम करते हैं हम, अपना जो कार्य हमें दिया जाता है वो पूरी लगन से, निष्ठा से, ईमानदारी से वो हम अपना कार्य करते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं, यही हमारा कर्म है और उसी कर्म को निभा रहे हैं, तो उसको उसमें कोई विशेष नहीं है। अपना काम, हर आदमी अपने अपनी जहां भी रहता है वो अपना काम करे तो बेहतर कर सकता है। सर आपको विकास पुरुष कहा जाता है, आपको टेक्नोसेवी भी कहा जाता है, टेक्नोलॉजी को लेकर के आप इतना नई चीजें कर रहे हैं जो कि हमारे देश को, प्रदेश को उसकी आवश्यकता है सर, और इस समय आपके पास इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी है सर, तो क्या नया देखने को मिलेगा सर हमें इन्फॉर्मेशन? नहीं, हमारा इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में तो सरकार के जो योजनाएं हैं, सरकार के जो कामकाज हैं, उनका प्रचार प्रसार है, आम आदमी तक पहुंचाना है, इसी उद्देश्य में लगे हुए हैं। जो भी विभिन्न प्रचार के माध्यम है उनका उपयोग करके जो राज्य की सरकारी योजनाएं हैं उनको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का यही हमारा प्रयास है और वो हम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नवनीत सहगल जी, जिन्होंने हमें अपना इम्पोर्टेंट समय दिया, हमारे साथ बातचीत की और हमें बताया कि जिस तरीके से ओडीओपी को सरकार प्राथमिकता दे रही है और प्रमोट कर रही है। तो अभी आपने देखा कि अपर मुख्य सचिव सूचना डॉक्टर नवनीत सहगल ने ओडीओपी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह से जो छोटे और गरीब कमजोर वर्ग के लोग हैं जिन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलता है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उन सभी को एक अच्छा बेहतर प्लेटफॉर्म देने का पूरी योजना और तैयार की जा रही है। चलिए फिलहाल ब्रिटेन पर इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए साधना प्लस।